नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत में। आप सभी को पता ही है मेरी YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत है, और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। जी हाँ दोस्तों, राशन मित्र पोर्टल। दोस्तों जैसा कि मैं आपको हर छोटे से बड़े अपडेट से अवगत कराते रहता हूँ, उसी के तहत आज मैं दिखाने जा रहा हूँ राशन मित्र पोर्टल पर माह जुलाई की जो है राशन पर्ची जारी हो चुकी है। राशन पर्ची जारी करने की पूरी प्रोसेस भी दिखाऊंगा, और ये भी दिखाऊंगा कि किस तरह से हम राशन पर्ची जारी होने के बाद राशन पर्ची के पहले तो सूची डाउनलोड कर सकें, फिर प्रत्येक व्यक्ति की राशन पर्ची किस तरह से डाउनलोड कर सके वो सब देखेंगे। और मैं जल्द ही दोस्तों, जैसे संबल पोर्टल और ई श्रम कार्ड से अब जो है पंजीयन किया जा सकेगा राशन मित्र पोर्टल पर, तो आपको एक से दो दिन में जल्दी जल्दी वो वीडियो बताने वाला हूँ बनाकर किस तरह से हम पंजीयन कर सकेंगे आम हितग्राही का, है ना। तो चलिए पूरा वीडियो आप स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखिएगा। तो ठीक है दोस्तों, आपको फूड सिक्योरिटी पोर्टल, राशन मित्र पोर्टल तो पता ही है, राशन मित्र .nic.in, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। ओपन पोर्टल से आम व्यक्ति भी अपनी पात्रता पर्ची डाउनलोड कर सकता है। वो किस तरह से कर सकते हैं, यहाँ वर्तमान लाभार्थी परिवार, राशन कार्ड धारक परिवार संबंधी जानकारी है। यहाँ सेकंड ऑप्शन आपको दिखेगा, पात्रता पर्ची डाउनलोड करें वर्तमान माह में जारी, तो इस पर क्लिक करेंगे, न्यू विंडो ओपन होगी। इसके बाद आपको सिंपल से आपकी फैमिली आईडी जो 8 अंकों की वो डालना है, मेंबर आईडी जिसके कारण राशन आपको मिल रहा है उनकी 9 अंकों की आईडी, मोबाइल नंबर जरूर डालना है और आधार नंबर डालना उन्हीं का, है ना। उसके बाद ये कैप्चा को डालकर परिवार की पात्रता पर्ची संबंधी जानकारी प्राप्त करें पर क्लिक करना, तो डाउनलोड हो जाएगी। मैं आपको लॉगिन कर दिखाने जा रहा हूँ कि ग्राम पंचायत की लॉगिन से हम किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं, उसके बाद उसका प्रिंट किस तरह से निकाल सकते हैं। चलिए यूज़र नेम पासवर्ड ग्राम पंचायत के डालते हैं, कैप्चा को डालकर लॉगिन पर क्लिक करते हैं। तो लॉगिन करने के लिए आपके मोबाइल नंबर भेजा गया पिन प्रवेश करें, वो पिन प्रवेश करें 6 अंकों का, वो फिर कैप्चा कोड लेके लॉगिन करेगा पर क्लिक करें। यदि पिन लाने में देरी हो रही है, नहीं आ पा रहा है, तो पुनः OTP भेजे पर क्लिक कर दें। इसके बाद भी यदि OTP नहीं आ रहा है, तो OTP प्राप्त ना होने की स्थिति में लॉगिन करें पर क्लिक कर दें। तो ये इस तरह से हमारे पास होम पेज आ जाएगा, इसको क्लोज कर दें। अब हम सीधे चलेंगे नवीन पात्रता पर्ची, तो सबसे पहला ऑप्शन है नवीन पात्रता पर्ची परिवारों की चरणवार सूची, इस पर क्लिक कर देंगे। तो इसमें जब क्लिक करेंगे आप, तो आपका जिला, स्थानीय निकाय, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत, गांव आप सेलेक्ट कर सकते हैं, पूरे गांव की चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं, सेलेक्ट ना करें। चरण चुने, तो चरण चुने में आप यहां देखेंगे तो जुलाई 2024 की आपको शो होने लगी है, ठीक है। तो जुलाई 2024 पर क्लिक कर दें, ये कैप्चा कोड लिख दें और परिवारों की सूची डाउनलोड करें पर इस पर क्लिक कर दें। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके कंप्यूटर में पूछेगा वो कहाँ सेव करना है, सेव कर लें। उसके बाद एक्सेल फॉर्मेट में कुछ इस तरह से जानकारी दिखेगी, ठीक है। उचित मूल्य दुकान दिख जाएगी, पात्रता श्रेणी, किस पात्रता श्रेणी में यदि कोई अनुसूचित जाति के व्यक्ति हैं जिनका जाति प्रमाण पत्र है तो उनका हो जाता है अनुसूचित जाति, है ना। कोई बुनकर एवं शिल्पी है उनका, अब इसी तरह मैंने जैसे आपको बताया संबल कार्ड का भी ऑप्शन आ गया है तो वो भी हो जाएगा। पात्रता पर्ची क्रमांक आ जाएगा, जारी दिनांक, परिवार आईडी, मुखिया का नाम, सदस्यों के फ़ोन नंबर आ जाएंगे, सदस्य का व्यवसाय। तो चलिए यहाँ से हमने देख लिया, यहाँ से हम परिवार आईडी कॉपी करते हैं, वहाँ पेस्ट करके डाउनलोड करते हैं। तो इसके लिए हमें कहाँ जाना होगा, नवीन पात्रता पर्ची डाउनलोड करें, इस पर क्लिक कर दिया। इसका यहाँ परिवार आईडी डाल दें आप 8 अंकों की, उसके बाद परिवार देखे पर क्लिक कर दें। इसके बाद सब जाएगा, क्रमांक, उचित मूल्य दुकान, परिवार आईडी जाएगी, मुखिया का नाम, पता, पात्रता श्रेणी, कुल सदस्य जैसे 4 है तो वो आ गया, पात्रता पर्ची डाउनलोड करें, तो पात्रता पर्ची डाउनलोड करें पर हम क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से दोस्तों जो है परिवार खाद्यान्न सुरक्षा पात्रता पर्ची ई राशन कार्ड जो है जनरेट हो जाएगा। यही आपका ई राशन कार्ड भी है और आपकी परिवार खाद्यान्न सुरक्षा पात्रता पर्ची भी है, ये जनरेट हो गया, मतलब आपको अब 100% जो है खाद्यान्न मिलेगा, ठीक है। पात्रता ऐसे 20 किलो है तो ये दिखेगा, है ना, पात्रता पर्ची नंबर है, सारी चीज़ें आपको दिखने लगेगी, मुखिया का नाम, है ना, परिवार की पात्रता श्रेणी भी दिख जाएगी, सब चीज़ दिख जाएगा, आपकी समग्र आईडी के साथ आधार नंबर के 4 अंक आखिरी के दिख जाएंगे, जितने सदस्य सभी के नाम दिख जाएंगे, है ना। इसके बाद आपको पूरा स्वीकृतिकर्ता दिख जाएंगे, यहाँ पर सील साइन कर पंचायत सचिव महोदय को जो है आम जो हितग्राही है उनको प्रदान करना है, या कनिष्ठ आपूर्ति विभाग को सील साइन करवाकर हितग्राही को प्रदान करना। तो ये पूरी हमने जो है पात्रता पर्ची डाउनलोड कर ली है हितग्राही की, ठीक है। तो ये दिखने लगी है, तो इस तरह से आप माह जुलाई की जो है पात्रता पर्ची डाउनलोड कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, अब दोस्तों मैं आपको जल्दी जल्दी वो वीडियो दिखाने वाला हूँ जिसमें संबल पोर्टल और ई श्रम पोर्टल के माध्यम से हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे आम हितग्राही का, ठीक है। तो चलिए इन सब के लिए आप मेरे साथ बने जरूरी है, आपको पता ही है मेरी यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पंचायत है, और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहती है। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।